हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में यूज होने वाली शॉर्टकट की ए टू जेड जितनी भी हैं। सो उनका यूज हम कैसे करते हैं, उनका हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आप चाहें तो ये शॉर्टकट जो कीज हैं इनका यूज यहाँ पे सामने दे रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि शॉर्टकट की कैसे वर्क करती है एमएस वर्ड में। ये हमारा टेक्स्ट है, हम इन पे शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है वो हमारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए होती है। जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो देखिए जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो एक बार में पूरा सेलेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम टेक्स्ट का फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे जिससे जो भी चेंजमेंट हो वो आपको इजिली विजिबल हो। हमने इसका सॉरी सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज कर देंगे हम। अब हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, हम फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। देखिए जो भी हमारा टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है। अगेन हम कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हुआ है वो नॉर्मल फॉर्मेट में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का यूज किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट लाइन अभी सेलेक्ट है, हमने इसे कंट्रोल सी प्रेस किया, अब जो ये हमारी फर्स्ट लाइन है कॉपी हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम हमारा कर्सर जहाँ कहीं भी होगा हमारा टेक्स्ट वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। हमने अपने कर्सर को यहाँ पे रखा और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस किया, अब देखिए फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी के बाद हमारी आएगी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है फॉन्ट के ऑप्शन ओपन करने के लिए। हम कीबोर्ड से जब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं ये यहाँ पे ओपन होकर आ गए। जैसे ये यहाँ पे हमारा फॉन्ट दे रखा है, फॉन्ट की स्टाइल जो भी हमें यहाँ सही लगे हम यूज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल हमें क्या रखनी है, रेगुलर करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड इटैलिक करना है। आप यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करेंगे नीचे ये देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू हमारा शो करेगा कि इस टाइप का आपका फॉन्ट आएगा। अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पे चेंजमेंट करके ओके कर दीजिए। यहाँ से किसी भी फॉन्ट साइज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम किसी भी फॉन्ट का कलर ले सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, देखिए जो भी चेंजमेंट करा है ये हमें यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे चेंजमेंट हो जाएंगे और अगर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कोई भी चेंजमेंट हमारा नहीं होगा, जैसा हमारा टेक्स्ट है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर अगर हमें चाहिए तो कर सकते हैं। बाकी और भी टेक्स्ट रिलेटेड यहाँ पे इफेक्ट दिए हैं तो हम ये इफेक्ट अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और हम इसे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे क्योंकि अभी हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं चाहिए। कंट्रोल डी के बाद हमारा आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई होता है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पे करने के लिए। जैसे आपको कोई भी हेडिंग बनानी है जैसे हमारा ये टेक्स्ट योर है, हमने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और हमने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस किया, अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर पे आ गया है। कंट्रोल ई के बाद हमारा आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। हमने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस किया, अब जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसे सर्च करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमने कीबोर्ड से टाइप किया वीडियो, अब देखिए इंटायर डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे वीडियो वर्ड यूज हुआ है वो उन सबको हाईलाइट करके दे रहा है। तो ये किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, हम इसे यहां से क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एफ के बाद आता है हमारा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज करते हैं गो टू ऑप्शन के लिए। हम कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारा गो टू का, ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स होता है जिसपे हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट होता है फाइंड जो कि हम यूज कर चुके हैं, सेकंड है रिप्लेस और थर्ड है गो टू।
गो टू के ऑप्शन पे देखिए, हमें पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है कि अभी हमारे पास केवल दो पेज है। अगर हमने यहाँ पे वन टाइप किया और हमने गो टू किया तो जो हमारा कर्सर है फर्स्ट पेज पे डायरेक्ट हो जाएगा। और सेक्शन का इसी तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, बुकमार्क लाइन है, लाइन नंबर, जो भी लाइन नंबर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे हमारा कर्सर उस लाइन को डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया 5 और हमने यहाँ पे प्रेस किया गो टू, अब जो हमारा कर्सर है 5th लाइन पे ब्लिंक करेगा, हम इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आप चेक करिए, देखिए जहाँ भी कर्सर है वो हमारी 5th लाइन होगी। ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे 5th लाइन पे आ गया है। ये था हमारा गो टू का यूज। कंट्रोल जी के बाद आएगा हमारा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए। हम कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा रिप्लेस का था। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड व्हाट करेंगे, हम सर्च करेंगे। सर्च क्या करना है, अभी यहाँ पे वीडियो टाइप है, हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे यही रखेंगे। तो जहाँ कहीं पर वीडियो है उसे सर्च करें और रिप्लेस कर दे उसे जिस भी वर्ड के साथ हमें रिप्लेस करना है। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया इमेज, जहाँ पे वीडियो है उसे सर्च करो उसकी जगह पे इमेज कर दे। और यहाँ पर हम करेंगे रिप्लेस ऑल और हम इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आप ये देखिए जहाँ जहाँ पे वीडियो था वहाँ वहाँ पे इमेज हो चुका है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, इस तरीके से जहाँ जहाँ पर वीडियो था वहाँ वहाँ पर हमारा इमेज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। तो ये था हमारा रिप्लेस का यूज़। कंट्रोल एच के बाद हमारा आएगा कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए। जैसे हमने इस वाले वर्ड को, इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, देखिए हमारा टेक्स्ट ये है इटैलिक हो चुका है। अगेन हम कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट इटैलिक हुआ है वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल आई के बाद हमारा आता है कंट्रोल जे, जस्टिफाई। अब किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, अभी आप देख रहे हैं इसका जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल बराबर है और जो ये राइट साइड है योर यहाँ पे फिनिश हुआ, इन यहाँ पे, यू यहाँ पे और इमेज यहाँ पे फिनिश हुआ है। और अगर हम इसे जस्टिफाई कर देंगे तो इसका जैसे लेफ्ट साइड इक्वल है वैसे राइट साइड भी हमारा इस साइड इक्वल हो जाएगा। हम कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, देखिए जस्टिफाई फॉर्मेट में आ गया, लेफ्ट से भी इक्वल है और राइट से भी हमारा ये इक्वल हो गया जैसा कि बुक में होता है। आपने कभी भी देखा हो कि जो बुक की प्रिंटिंग होती है उसमें वो इसी तरीके जस्टिफाई फॉर्मेट में होता है। कंट्रोल जे के बाद हमारा आएगा कंट्रोल के। कंट्रोल के होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी आप हाइपरलिंक देना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के शॉर्टकट की है। हमने यहाँ पे अपना कर्सर रखा और हमने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस किया। अब देखिए जितनी भी फाइलें हमारे सिस्टम पे पड़ी हैं वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। कोई भी फाइल सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने मेमोरी यूनिट सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए जो हमारी ये मेमोरी यूनिट फाइल है ये यहाँ पे इसका लिंक क्रिएट हो गया है। जब कंट्रोल के साथ हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो हैंड का सिंबल आएगा, हमने इस पे डबल क्लिक किया और हमारी ये फाइल ओपन करने के लिए पूछ रहा, हमने इसे यस कर दिया। अब देखिए मेमोरी यूनिट की जो फाइल है हमारे यहाँ पे ओपन हो गई है, अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस तरीके कर सकते हैं। सो इस तरीके से किसी भी फाइल को आप अपने पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होता है। कंट्रोल के बाद हमारा आएगा कंट्रोल एल। किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल एल का यूज करते हैं। जैसे हमने इस वाले टेक्स्ट को लिया, टेक्स्ट कहीं पर भी हो हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन पे आ जाएगा। हम इस रूलर को पहले यहाँ पे सेट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। कंट्रोल एल के बाद आता है हमारा कंट्रोल एम। किसी भी टेक्स्ट का जब हमें इंडेंट इंक्रीज करना होगा पैराग्राफ का देन हम यूज करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और अब हमें जो ये लेफ्ट साइड की जगह है इसे इंडेंट बोलते हैं, हमें इंक्रीज करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एम।
ये देखिए हमारा इंडेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हम कंट्रोल जेड करेंगे, हमारा पैराग्राफ वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। कंट्रोल एम के बाद हमारा आता है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन जब प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ पे जब प्रेस करेंगे जो हमारी फाइलें सेव हैं वो उनकी लिस्ट आ जाएगी, उन पे हम क्लिक करके उन्हें ओपन कर लेंगे। इसे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल ओ के बाद हमारा आता है कंट्रोल पी, कंट्रोल पी प्रिंट आउट के लिए होता है। जैसे ही हमने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस किया, देखिए इसका यहाँ पे ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका यहाँ पे प्रीव्यू शो कर रहा है। इस तरीके से हमारा प्रिंट आउट निकलेगा। अगर ये सही लगता है, प्रिंटर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, हमारा प्रिंट आउट निकल आएगा। कंट्रोल पी के बाद हमारा आता है कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू होता है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है उसे रिमूव करने के लिए। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और हमने इसका इंडेंट यहाँ से इंक्रीज कर दिया, और अब हम चाहते हैं कि वापस इसकी जो फॉर्मेटिंग हुई है वो चेंज हो जाए। हम कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे जो हमारा पैराग्राफ है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये था हमारा कंट्रोल क्यू का यूज। कंट्रोल क्यू के बाद हमारा आएगा कंट्रोल आर, कंट्रोल आर होता है किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए। हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस किया, ये देखिए हमारा टेक्स्ट है राइट साइड आ गया। जब कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। कंट्रोल आर के बाद हमारा आएगा कंट्रोल एस, जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट सेव करने के लिए बोल रहा है, कंट्रोल एस सेव करने के लिए होता है। हम यहाँ पे जो भी नाम देना है दे देंगे और सेव करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस के बाद हमारा आता है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी भी हमारा लेफ्ट अलाइन के लिए होता है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हम कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो अपनी पोजीशन पे रहेगी और बाकी का जो पैराग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। हम जितनी बार कंट्रोल टी प्रेस करेंगे देखिए हमारा टेक्स्ट राइट साइड में जा रहा है, बट जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो अपनी ही पोजिशन पे रहेगी। ये है हमारा कंट्रोल टी का यूज। हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, हमारा पैराग्राफ अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। कंट्रोल टी के बाद हमारा आता है कंट्रोल यू, किसी भी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है देन हम यूज करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया है। कंट्रोल यू के बाद अगेन हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। कंट्रोल यू के बाद हमारा आता है कंट्रोल वी, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, हमने इसे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, अगेन हमारा जहाँ कहीं भी कर्सर होगा हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, हमारा टेक्स्ट वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी के बाद आएगा हमारा कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू जब कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव नहीं, इसलिए सेव को ऑप्शन आ रहा है, हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे तो इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू के बाद हमारा आता है कंट्रोल एक्स, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस किया, ये देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया है, यहाँ से हट गया है। अगेन हमें जहाँ कहीं भी चाहिए हम वहाँ पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स के बाद आता है हमारा कंट्रोल वाई और लास्ट हमारा है जेड। तो किसी भी टेक्स्ट को हमने जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया, हमने इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से हमने डिलीट प्रेस किया तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब सपोज करिए बाय मिस्टेक हमारा डिलीट हो गया है, हमने कंट्रोल जेड किया तो हमारा टेक्स्ट वापस आ गया, लेकिन अब हमें लग रहा नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाई का मीन्स होता है रीडू, कि फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि पहले था, एक स्टेप बैक चला जाए। हमने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस किया
देखिए हमारा जो टेक्स्ट था वो हट गया है। कंट्रोल वाई रीडू होता है कि एक स्टेप हमारा बैच रीडू हो कि फिर से वैसा ही हो जाए। तो ये हमारी ए टू जेड शॉर्टकट की थी जिनका यूज़ आज हमने सीखा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।